दो त्यौहार एक साथ आ रहे हैं मुमरा में, गुड़ी पाड़वा और रमजान, उसके संदर्भ में आपकी प्रतिक्रिया? ये तो गंगा जमुना का मिलन ही है समझो जी। अभी 2 तारीख को गुड़ी पाड़वा है जी, फिर रमजान भी स्टार्ट ही हो रहा है जी, तो मैं गुड़ी पाड़वा की मराठी नववर्ष की सर्व मराठी बांधवांना, महाराष्ट्रीयन बांधवांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा, नवीन वर्ष सुख समृद्धी भरभराटीचं आणि खास करून मनशांतीचं हो या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। तसेच आमचे मुस्लिम बांधवांचे रोजे सुरू होत आहेत, पवित्र रमजान महिना येतोय आणि त्या पवित्र रमजान महिन्यामध्ये सगळ्यात जास्त इबादत करण्याची एक मुस्लिम बांधवांना चांगली एक हे मिळो अशी प्रार्थना करतो आणि सर्व मुस्लिम बांधवांना रमजान निमित्त शुभेच्छा देतो, रमजान मुबारक देतो, धन्यवाद। सर, ये रमजान के दौरान जो हमारी बस्तियों में एक दिन रात एक हो जाते हैं, उस दौरान पे कुछ लोग जो है, कुछ राउडी टाइप के लोग जो है, वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा कर देते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? क्या है कि ये हरकतें करने वाले लोग तो अपनी हरकतें करते रहते जी, लेकिन हमारी पुलिस प्रशासन है, महापालिका प्रशासन है, या ऐसे लोगों राउडी लोगों को उनका सबक बराबर सिखाने के लिए तैयार रहती है जी। तो अब ये यहाँ पर जिस तरह से जो है रोज़ेदारों का अहतमाम, रोज़े का अहतमाम होगा, रोज़ेदारों के लिए इंतज़ाम होगा, ट्रैफिक का मसला पेश हो सकता है, तो आम लोगों को क्या करना चाहिए? आम लोगों को हो सके जितना अपने डिसिप्लिन में रहे तो वो अच्छा है, क्योंकि समझो हम ही अगर किधर अगर ट्रैफिक के लिए ये करना करेंगे अड़चन तो वो बाकी लोगों को भी परेशानी हो जाएगी। इसके लिए हर इंसान ने अपना अपना फर्ज समझ के अपने डिसिप्लिन में रहेगा तो किसी को तकलीफ नहीं होगी और दूसरे की वजह से जो तकलीफ होने वाली वो भी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, युवा नेता उभरते हुए नेतृत्व जो है आज उमरा को मिल रहा है आपके रूप में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उमरा वासियों को? सबसे पहले उमरा वासियों को मैं गुड़ी पाड़वा के और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा जी, और उसी के साथ रमजान माह रमजान भी शुरू हो रहा है तो सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितना अपना इबादत कर सकते इबादत करे और रोजे अता फरमाए, यही शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद। ओके, शुक्रिया।